एक ऐसी आवाज़ जो हर गीत में फ्रेश लगती है, लेकिन हर बार इसे सुने तो इसके साथ नाता पुराना लगता है। आवाज़ में सादगी भी है। आज मैं इनके उस गीत के बारे में बात करने वाली हूँ जो कितनी बार भी सुना जाए मन होगा एक बार और। वो धुन, वो लिरिक्स जो लगे कि इन्हीं के लिए लिखे गए हो, इन्हीं के लिए वो धुन बनी हो। फिल्म आशिकी 2 और आवाज़ अरिजीत सिंह की, और गीत आप जानते हैं। ये गीत अरिजीत को कैसे मिला, मेकर्स को जिस आवाज की तलाश थी इस गीत के लिए, वो अरिजीत पर आकर कैसे खत्म हुई, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। अरिजीत के बारे में पहले थोड़ा सा बताती हूँ। घर पर म्यूजिक का माहौल था, माँ गाया करती थी। कब गाना शुरू किया ये याद नहीं, लेकिन जब भी शुरू किया म्यूजिक सीखने से किया, क्लासिकल म्यूजिक सीखा, और कहते हैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। 2005 में मुंबई आए, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, एक रियलिटी शो जीता भी, लेकिन इंडस्ट्री में पैर जमाना आसान थोड़ा ही था। पहला मौका मिला मर्डर 2 के गीत के साथ, जो इरफान अली और सैम भट्ट के साथ ये गीत था। गीत बहुत पसंद किया गया, बॉलीवुड में इस आवाज ने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली थी, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। फिर आया राबता, फिल्म थी 2012 की एजेंट विनोद, इसमें म्यूजिक प्रीतम दा का था। इस गीत को भी बहुत प्यार मिला। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। और फिर अगले ही साल आया वो गीत जो मानो अरिजीत के लिए ही बना था, फिल्म आशिकी 2 2013। मोहित सूरी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और विशेष फिल्म्स और टी सीरीज बैनर ने इसे प्रोड्यूस किया। गीतों के लिए म्यूजिक दे रहे थे जीत गांगुली, अंकित तिवारी और मिथुन। तुम ही हो का म्यूजिक मिथुन ने दिया था। अरिजीत कहते हैं मानो उस वक्त सब कुछ मेरी आवाज के फेवर में हो रहा था। खैर, मिथुन ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि मुझे डायरेक्टर मोहित सूरी ने बुलाया और कहा ये गीत यानी कि टाइटल सॉन्ग फिल्म की सोल होने वाला है। जब ट्यून तैयार हुई तो मोहित को मिथुन ने स्टूडियो बुलाया। मोहित को ये ट्यून बहुत पसंद आई और पहले मिथुन की आवाज में ही रिकॉर्डिंग करके मोहित ने मुकेश भट्ट को सुनाई। मुकेश भट्ट ने मिथुन को कॉल किया, बहुत इमोशनल, और मेलोडी इतनी अच्छी लगी कि मिथुन से कहा कि तुम ही तय करो कि इस गीत के लिए सही आवाज कौन सी होगी, क्योंकि जो भी इस गीत को गाएगा वो सिर्फ इस गीत का सिंगर नहीं होगा बल्कि फिल्म आशिकी 2 की आवाज होगा। अब ये तलाश भी शुरू हुई। मोहित अरिजीत को पहले से ही जानते थे, पहले मर्डर 2 में एक साथ काम कर चुके थे। अब जब इस फिल्म के म्यूजिक पर काम चल रहा था तब अरिजीत प्रीतम दा को असिस्ट किया करते थे। मिथुन ने कॉल किया, कहा कि आओ मुखड़ा ट्राई करो। मुखड़ा ट्राई किया तो मालूम हुआ कि ये वही आवाज है जिसकी तलाश है। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला। वो आसानी, वो ठहराव, वो सुकून, मालूम हो गया था कि सही सिंगर मिल गया है। और फिर अरिजीत नाम का एक ऐसा तूफान आया इस गीत के साथ जो शायद अब कभी नहीं थमेगा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। उस वक्त अरिजीत प्रीतम के साथ ये जवानी है दीवानी उस फिल्म के म्यूजिक पर काम कर रहे थे। अरिजीत कहते हैं दिन रात काम हो रहा था और यहाँ आशिकी 2 का म्यूजिक लॉन्च हो रहा था। पहला कॉन्सर्ट था और वो कहते हैं मैं लेट था कॉन्सर्ट के लिए,
मैं कबीरा एडिट कर रहा था। वैसे कबीरा का एक वर्जन अरिजीत की आवाज में भी है फिल्म में। जो पहले स्क्रैच ही था, यानी उसे कोई और बाद में डब करने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। चलिए, ये तो अच्छा ही हुआ। ये गीत बेंचमार्क है अरिजीत के करियर का। इसी के बाद अरिजीत कहते हैं, मुझे शोज मिलने शुरू हुए। अरिजीत के सिंगिंग करियर में म्यूजिक कंपोजर मिथुन और प्रीतम दा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मिथुन कहते हैं कि अरिजीत मेहनत बहुत करते हैं, कोई चीज़ अगर वर्कआउट नहीं हो रही है तो फीडबैक लेकर फिर ट्राई करते हैं, बहुत इनपुट देते हैं, अपने कई आइडियाज़ होते हैं इनके पास। प्रीतम के ही कंपोज किए हुए गीत अरिजीत ने ए दिल है मुश्किल में भी गाए, और प्रीतम कहते हैं ये तय हुआ कि सारे गीत एक ही आवाज़ में होंगे। मेकर्स के साथ ये तय हुआ। 5 गीत हैं फिल्म में, जिसमें से 4 मेल वॉइस में हैं, और गाने में बहुत सारी वैरायटी है, गाने अलग अलग तरह के हैं। तो फिर जब एक ही आवाज़ में सभी गीत करने थे तो सिर्फ 2-3 नाम ही सामने थे, और अरिजीत तो प्रीतम दा के बहुत करीब रहे हैं और टैलेंटेड भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हालांकि ऑडियो वर्जन में आपने और भी आवाज़ें सुनी होंगी। कहा जाता है बुलेया पहले जुबिन नौटियाल ने रिकॉर्ड किया था, शूटिंग उन्हीं की आवाज़ पर हुई थी। इसके बाद अरिजीत ने इसे डब करना था, और जब उन्होंने डबिंग की तो बहुत मेहनत की, बहुत वक्त भी लिया, कि जिस तरह से रणबीर के चेहरे पर भाव हैं, वो मसल मूवमेंट्स हैं, उससे मैच किया जा सके। अब आप भी अगर अरिजीत फैन हैं तो शायद सोचते हो कि वो ज़्यादा गाने क्यों नहीं गाते। अरिजीत कहते हैं, जितने भी गाने मेरे पास आते हैं मैं सभी गाने नहीं गाता, कुछ के लिए पोलाइटली मना कर देता हूँ, जो पसंद नहीं आए वो छोड़ दिए। ये आवाज़ एक ऐसा तूफान है जो कभी नहीं थमेगा। कई सेलिब्रिटीज़ कहते हैं जितनी म्यूज़िक की समझ अरिजीत रखते हैं, जितना अपना काम वो समझते हैं, जितने प्रॉमिसिंग सिंगर वो हैं, जितना अपने डायरेक्टर को समझकर गाते हैं, जितने वर्सटाइल हैं, यकीनन आने वाले कई कई साल इनके नाम होने वाले हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, और इनके गीत हमेशा अपनी जगह बनाए रखेंगे।